नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और हम चलते चलते आ गए हैं शाहपुर गांव में। विधानसभा है शिवपुर और यहां लोगों से समझेंगे इनकी समस्या क्या है, क्योंकि सरकारी नुमाइंदों की जानकारी में ये आता है कि गांव में बहुत कुछ काम हो गया, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कितना काम हुआ है, इन्हीं लोगों से समझेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कौन सा गाँव है? शाहपुर। कुछ काम वाम हुआ इस गांव में? नहीं, कुछ नहीं। क्या परेशानी है? हमने के घर गिर गल, हमने के वास ना हो, हमने के पानी के साधन बहावा के ना हो, हमने के चपा कल ना हो। हमने जब अगर कहल जाला कि हमने कहाँ नहाल जाए, कहाँ धोल जाए, सब मारा के अपन अथुआ हो जाला, तैयार हो जाला। नहाने धोने का पानी नहीं निकलता? नहीं, कहीं नहीं। अपन पानी नहा के अपन बाल्टी सुबह के फेंकल जाला कहीं। मतलब नहाने का पानी खुद अपने से बाल्टी से निकाल फेंकल जाला? ये तो बहुत दुर्दशा चीज़ है। अदगम अगर दऊ पानी बरसा लगलन तो अरे तौन सनी नाला ऊपर से निकलवा जा सड़क से, तो अपन सब अपन नहा धोन बनवा ले, तो अपन पानी चल जाए, तो अपन नाला में कुछ का साधन ना है। पीने का साफ पानी मिलता है? अदगम पीने का साफ पानी है? हाँ, मिला ला चापाकली से चला के लियावल जाला, तो अपन मिला ला चापाकल भी ना। एक सरकारी चापाकल गाँव में दूठे अपन बिगड़ा ला तो उनके मशीन भी से आवला, फिर उनके मशीन पे से आवल जाला। नल जल योजना नहीं है? नहीं, पानी नहीं आता? नहीं, कुछ ना। आप थोड़ा सा बताएं कि महिलाओं के लिए और भी कुछ काम हुआ है यहाँ पे? जैसे आप लोग कभी बीमार हो जाए तो इलाज के लिए कोई व्यवस्था है सरकारी? नहीं, कोनो व्यवस्था। कहाँ इलाज कराती है? डॉक्टरी में, प्राइवेट में। ऐसा ज्यादा खर्चा होता है? कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप इधर आइए, थोड़ा सा पढ़ी लिखी लग रही है। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? हाई स्कूल है। हाई स्कूल तक पढ़ी है, तो कुछ काम नहीं है? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं काम। क्या करती हैं? हम तो सिलाई सेंटर अपना चलाते हैं। अपना खुद का चला रही हैं? जी। तो उससे थोड़ा बहुत रोजगार तो मिला होगा आपको। लड़के बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं? नहीं, हमारे तो भैया 11 साल की बच्ची है। अच्छा अच्छा, तो अब भेजती होंगे ना? हाँ, तो लॉकडाउन की वजह से बंद है स्कूल। तो आसपास और कहीं ऐसा स्कूल या ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे बच्चे? नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई चलती है? ऑनलाइन तो इस समय नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग के बच्चे भी छोटी है ना, तो ऑनलाइन से नहीं पढ़ाई चल रहा है। 1.5 साल 2 साल से एकदम बंद है। और आप लोगों के लिए कोई इंतजाम हुआ महिलाओं के लिए? कुछ नहीं। कुछ काम नहीं? गाँव में क्या परेशानी? गाँव में बहुत सारी परेशानी है। बारिश हो जाए तो पानी निकल जाता है? नहीं, नहीं निकलता। देख ले, बाजू में खुद है, जैसे आप आए झाड़ू झाड़ू मार के पानी बहा वाला। हाँ, झाड़ू झाड़ू मार के सब पानी अपने अपने द्वारे के खुद बहा वाला। और आदमी लोग यहाँ के क्या करते हैं? आदमी का करना ये मोटा काम करना, कहीं लगाला 4 दिन लगाला, 4 दिन ना लगत, अपन घरे बैठना, खेती बाड़ी में अपन करना, तो खाना। आप बताइए दादी, आपको बहु लोग सेवा करते हैं कि नहीं? के जब कुछ ना बात के सेवा करी, अब पास में ना कुछ बात छुच्छी बाटी तो के सेवा करी? अरे आँखों से ना विधवा तो हमारे भैया क्यों बनाई बह ना करी। हाँ, केहू ना नेता, बड़ा नेता लोग आता है कभी? हाँ, नहीं नहीं। तो ये बताइए, आइए आप ही बताइए कि अब चुनाव आने वाला है 2022 का, तो उसमें जब वोट मांगने लोग आएंगे तो क्या करिएगा? का कहल जाये? कहीं भैया हमने बहनी लोन हमने कोर दे है, हमने यहाँ पर का करल जाला, दे देवल जाला, अपन जब जीत जाना तो गांव में कब आईबो ना करता। हाँ जी, आप बतावा वोट लेने बाद क्यों ना? जी, कुछ काम नहीं? नहीं, कुछ ना। इस बार उनकी सरकार बन पाएगी आपको लगता है? मुश्किल है, मुश्किल है इस बार। जब हमने के मोदी जी कुछ कर बना कहीं ना गाँव में, तो कैसे मोदी जी के हमने बनावल जाये? कौन नेता है, किसकी सरकार बन सकती है? पहचान आया बोला। हाँ, किस नेता की सरकार बन सकती है, क्या लगता है? अब हम लोग कैसे बताए कि किस नेता की सरकार बनी है? नेता नजर में हम लोग की तो नजर में अभी नहीं है। लेकिन योगी जी की सरकार बनेगी कि नहीं? मुश्किल है इस बार, लग रहा है। हाँ, मुश्किल है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ा दे, मान ली ठीक है, बड़े लोग अमीर लोग तो खा लेंगे, गरीब लोग कहाँ से खा पाएंगे? कैसे ब्याह करिया, कैसे बताइए, गरीब लोग कैसे खाएंगे इतनी महंगाई? सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस में जो आप लोग यूज करते वो दाम बढ़ गया, कुल बढ़ गए, पड़ रहा है। का फर्क पड़ा था? 1000 के तो गैस मिलत बा, उसका महंगाई का कुछ असर है आप लोगों पे? तब का कमाई कहीं से नहीं आ रहा है, बताइए कैसे कैसे घर का खर्चा चल रहा है? न रोजी बा, न रोजगार बा, न कुछ ना बा। तो देखा आज कल का दिन आदमी लड़का कहिया के बैठन हुआ, इसमें नियम निकल बा लड़कन का काम नहीं लग सकता। लड़की हमने के ब्याह शादी करे के पड़ल, इतनी महंगाई अथुआ बा, तो कैसे हमने ब्याह करल जाये, शादी करल जाये, कैसे कुल करल जाये? आप बताइए क्या लगता है आपको कि इस समस्या का क्या उपाय हो सकता है? जो भी आप परेशानी कह रहे हैं, रोजगार नहीं है,
इसका क्या उपाय हो सकता है? समझ में आ रहा है क्या? अब उपाय तो इतना महंगाई बा, महंगाई के ऊपर जब आदमी का कम कमाई बा, खर्चा ज्यादा बा, तो कहाँ से चली? कमाई कम है, बहुत सारे लोगों से जब हम गांव में गए, बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उनका कहना है कि कमाई बढ़ा है तो महंगाई बढ़ रही है। आप ये बता रही हैं कि कमाई नहीं, सही बात करें कि कमाई नहीं है? ये बात सही है, कमाई कम है। हाँ। आपका कहना है कि कमाई कम है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कमाई बढ़ गई है। कमाई कहाँ बढ़ल है, लॉकडाउन लगल पर आदमी काम करत ना, आदमी काम तो करता ना। लोग काम करते हैं, आपको पैसे ही नहीं देते हैं घर में? नहीं, पैसा मिला ला, कब 300-400 पैसा कमात हुए, लेकिन 200-250 रोज खा जिये तो बची कहाँ से, बच्ची बच्चा में खत्म हो जाये, रोज सब बीमार पड़ जाता। बीमारी में जा रहा है, महंगाई में जा रहा है, पैसा बचत नहीं हो रही है? नहीं, ना सुनवाई बा, मतलब कुछ नहीं सुनवाई बा, आँखों तो बिगड़ गई बा, ना क्यों सुनवाई बा, 10 पैसा के ला 100-200-400 1,000 ला दवाई लिया बा। नहीं, नेता लोग नहीं आता? नहीं, राजभर यहाँ के मंत्री भी हैं, विधायक भी आते हैं कभी? हाँ, अनिल राजभर आते हैं। हाँ, आवन तो कुछ बोलते नहीं है? अब घरे का मन से जाना, जो चीज बोलो थो, जो चीज सुना थो, लोग कुछ काम नहीं करा पाए? अब नहीं, नहीं कुछ अभी तक नहीं कराए? चले, कुछ नहीं किया, कुछ गाँव में बिजली नहीं था, कुछ ना हो। तो अब अगली बार उनको मौका देंगी, फिर आएंगे आप लोग, आपसे वोट मांगने तब क्या करेंगे? जब आएंगे तो देखेंगे, अभी तो आए नहीं है ना। जब आएंगे तब देखेंगे। हाँ, जब आएंगे तब मैं देखूंगी। ऐसा नहीं है ना कि पैसे पे और बाकी चीजों पे वोट यहाँ पे बिक जाता है? बहुत, देखिए जितना लोग हैं, कितने लोग पैसे पे बिक जाते हैं, कितने लोग हैं तो नहीं बिकते हैं। महिलाएं लोग तो नहीं लेती, यहाँ के जेंट्स लोग लेते हैं पैसा, चाहे कोई भी आते हैं मांगने के लिए वोट तो सबसे लेते हैं। आपके घर में कोई आदमी को मिल गया पैसा तो आप लोग भी तो उन्हीं को वोट नहीं बोलेंगे? हम लोग अपने मर्जी से देते हैं। देती है अपने? हाँ, हम लोग, हाँ, हम अपने मर्जी से देते हैं। आप बताइए, अपने मर्जी से वोट? हाँ, सब जो हमारे दिमाग में रहेगा हम उन्हीं को वोट चुनेंगे। ये बात देखिए सही है कि महिलाएं खुद से भी चुनाव कर रही हैं, अभी भी इनको इतनी आजादी है। अगर महिलाएं की अगर तवन सनी खुश करत, काहे ना महिलाएं तवन सनी मेरा रोट, हाँ, काहे ना दें वोट मेरा, ये तो बाकी दें, कुल दें, लड़की लड़कन के दें, रोजी रोजगार दा भैया, कहो मैं बाल बच्चा कर भैया, कुछ कर, हम तो बड़ी परेशान है। तवन सनी जिता दी है, औरत लोग जिता देगी तब का? आप लोग प्रचार भी करती हैं? तब का क्या बात है, कुछ कर जाए? अच्छा, मतलब आप लोगों को कोई दे दिया जाए तो आप प्रचार भी करते हैं नेता लोगों का? ठीक है, ये बात सही है। तो नेता लोगों को सोचना चाहिए कि महिलाओं को खुश करें, ये चुनाव जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। वैसे घर की गृह मंत्री तो ये कही जाती हैं, वित्त का भी काम संभाल लेती हैं और चुनाव का मैनेजमेंट भी यही देख लेंगी। तो अभी से तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और शाहपुर गांव से बस इतना ही, आगे के लिए आप दीजिए हमें इजाजत, इसके आगे आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज बुलेटिन, बहुत बहुत शुक्रिया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम सुना है आपने? प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वो, ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। 20,000 करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्टा बन रहा है और उसमें प्रधानमंत्री के लिए एक खास आवास बनाया जा रहा है। तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट से बाहर एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है और एक अलग सेंट्रल विस्टा हम आज आपको दिखा रहे हैं, जो शाहपुर गांव, जो कि बनारस के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में है, उसका नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम कैमरा आपको इधर घुमाते हैं और देखिए कि यह सेंट्रल विस्टा का हाल, ये भी एक सेंट्रल विस्टा है और ये भी एक आवास है। शाहपुर में जब हम चुनावी कवरेज करने आए तो यहाँ की महिलाएं हमें पकड़ लाईं कि चलिए हम आपको अपना घर दिखाते हैं कि किस हालत में हम रहते हैं। ये टाटी मड़ई है, झोपड़ी है, आंधी तूफान आया और गिर गया बारिश में, ऊपर से आपको तिरपाल दिखेगा, थोड़ा और खोल के दिखाते हैं, आइए इधर से चलते हैं। ये सेंट्रल विस्टा में दिल्ली गेट के पास, इंडिया गेट के पास नया निर्माण हो रहा है, ये भी एक इंडिया गेट ही है, देख लीजिए आप। ये पानी आएगा और यहाँ से गुजरते हुए किसी के सिर पर गिर जाए तो आप सोच लीजिए क्या हो। आइए थोड़ा बाहर से खोल के और दिखाते हैं आपको कि क्या सिस्टम है पूरा। अब ये देखिए, अब ये इनका आवास है और इसमें जब आप आएंगे तो ये ऊपर तिरपाल टांगा गया है ताकि पानी न गिरे, और ये मिट्टी का पूरा घर है। इसमें पहले लोग रहते थे, अब इसमें जानवर भी नहीं रह सकते हैं, तो अब इसमें भूसा रखा हुआ है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण के बाहर एक और भी दुनिया है, जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, चाची भी दिखा रही हैं, आइए इनका भी देख लीजिए। चलिए चाची,
और इस सड़क के हाल देखते चलिए, बारिश होगी जब इसमें तो घुटने भर पानी लगेगा इसमें, और लोग फिर कैसे आवाजाही करेंगे। ये घर देख लेला सरकार की ओर से शौचालय वौचालय बनाया क्या ये? हाँ हाँ भैया। आवास नहीं मिला, प्रधान जी आवास नहीं दिए, प्रधान जी आवास नहीं दिए, तो आप बोली नहीं कि हमारा आवास बनवाओ सरकारी? अब वो प्रधान दूसर हो गल हुआ तो बात नहीं सुनला। अब यही प्रधान तो नए भैया है। अच्छा तो इनसे नए को वोट मांगे अलन तो ना कहलू कि हमारा आवास बनवाओ सरकारी? कहना के हो तो देखिए, यही घर है, कच्चा मकान है, और ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 साल पहले वाले जमाने में कोई चला गया हो। सेंट्रल विस्टा के सामने एक इसका फोटो खींच के लगा देना चाहिए कि भाई देखिए इसी भारत में एक ये भी सेंट्रल विस्टा है। बहरहाल ये शाहपुर गांव का हाल है, ये सूरत आप देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक सेंट्रल विस्टा जो गाँव में है और एक जो प्रधानमंत्री आवास जो हजारों करोड़ की लागत से बन रहा है उसका एक नज़ारा गाँव में भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास का ढोल बजाया जाता है कि विकास बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन विकास कितना हुआ ये गाँव में दिखता है। जहाँ तक दिल्ली मीडिया की नज़र नहीं जाती है, उनका कैमरा नहीं पहुँचता है, न्यूज़ बकेट का कैमरा पहुँचा है, हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही हालत हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ न्यूज बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।